से जातीय जनगणना का है कि हर जात के लोग को पता चल जाएगा कि कौन जाति कितने लोग संख्या है, क्या स्थिति और परिस्थिति पता चल जाएगा, उनको लाभ मिलेगा। तो यहाँ कितने जातियाँ के लोग कितने संख्या में हैं, इससे सरकार क्यों भागती है केंद्र सरकार? अरे जितना जिसका आबादी उसको मिलना चाहिए उतना भागीदारी होनी चाहिए, यह हमारे तेजस्वी जी और लालू जी का मांग है। लड़ाई होगी अभी, हम इसीलिए जनसंख्या जातिगत आधार पर जन इसका जो है सर्वे हो इसीलिए जोर दिया जा रहा है। जातीय जनगणना के लिए जो बिहार से आवाज़ें उठी हैं ये दूर तक जाएंगी, निश्चित रूप से दूसरे राज्य भी इस ओर तक रहे हैं कि बिहार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत विपरीत परिस्थिति में लिया है। बिहार में क्योंकि जनता दल यू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है, लेकिन बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को, जातीय जनगणना के मुद्दे को काफ़ी जोर देकर, दबाव देकर सरकार पे इसे लागू करने की बात कही, और आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को समर्थन देने की बात कही और बिहार के कैबिनेट में बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या लाभ मिलेगा जातीय जनगणना के बाद उन तमाम लोगों को जो समाज के कमज़ोर, पिछड़े और शोषित वर्ग हैं और जिनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद गिनती के अभाव में या सही डेटा नहीं होने के अभाव में, और सरकार चाहती है कि वो तमाम डेटा जब आ जाए, तमाम चीज़ें सूचनाएं आ जाएं, तो उसके आधार पे उनको उसका लाभ दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हम उनसे बात करेंगे कि क्या लाभ मिलेगा, और दूसरा ये कि आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार इसका विरोध करती रही थी, और बिहार में फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में शामिल है उसने समर्थन क्यों किया। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करते हैं शिरघाटी के राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं से। जातीय जनगणना की क्या आवश्यकता है, क्या लाभ मिलेगा इसका? देश में आज जो स्थिति बनी हुई है, भेड़ बकरियां, बैल गाय का जब गिनती हो जाती है, हो सकती है, तो यहाँ कितने जातियाँ के लोग कितने संख्या में हैं, इससे सरकार क्यों भागती है केंद्र सरकार? अरे जितना जिसका आबादी उसको मिलना चाहिए उतना भागीदारी होनी चाहिए, यह हमारे तेजस्वी जी और लालू जी का मांग है कि आरक्षण का जो दायरा है वो जो भी हो, लेकिन जितना हम लोगों का आबादी है, गरीब गुरुआ और पिछड़ी जातियों का, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में ये व्यवस्था है कि 16% दलित है तो उसको 16% रिजर्वेशन की बात होती है, 5% अगर हैं आपके आदिवासी तो उसको 5% आरक्षण मिलता है, पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण की बात है, लेकिन उसका जो आबादी हो गया है 51% से ज़्यादा हो गया पिछड़ी जातियाँ, विभिन्न जाति हैं, कोयरी, कुम्हार, यादव, लोहार जाति, बड़ी जाति, सभी का संख्या हो गया है पूरे देश में, लेकिन केंद्र सरकार जो मलाई चाभ रहा है 50% के 49% आरक्षण दे करके लोगों को 50-51% अपने आरक्षण लेने का काम कर रहा है। तेजस्वी जी ये बात को समझ रहे हैं कि जिसका जितना है आबादी उसको भागीदारी मिलना चाहिए, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, इसमें नीतीश जी भी साथ दिए हैं और उनको भी बधाई देते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, कि जिन्होंने विधानसभा में कैबिनेट में इसको पारित करने का काम किया है, और ये हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रहे हैं और सरकार को झुकाने का काम किए हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव जी ने इसको लेकर काफ़ी दबाव बनाया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो क्या फ़ायदा मिलेगा इसका? देखिए, जातीय जनगणना में ये फ़ायदा होगा कि हर समाज के लोग, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, नाई हो, सुनार हो, हम ही लोग के जाति पर अभी देख लीजिए, हम लोग के सुनार लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और सभी लोग लोग कह देते हैं कि सुनार लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन बहुत सा सुनार लोग अभी भूखमरी की कगार पर है, कारीगरी ख़त्म हो गई है, ठोकर ठोकर लोग भटक रहे हैं, और लोग जैसे जातीय जनगणना का है कि हर जात के लोग को पता चल जाएगा कि कौन जाति कितने लोग संख्या है, क्या स्थिति और परिस्थिति पता चल जाएगा, उनको लाभ मिलेगा जी। तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही थी, केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती थी कि ये जातीय ये भाजपा जो भाजपा पार्टी है
भाजपा पार्टी जो है वो आरएसएस के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं, वो अमीर का पार्टी है, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग, गरीब गुरुआ को कुछ मदद मिले, व्यवसाय में कुछ लाभ मिले, कुछ नौकरी में मिले। जनगणना होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाएगा? इसमें हर लोग का जाति का पता चल जाएगा कौन जाति कितना संख्या है। और भाजपा जो है अमीर का पार्टी है, वो नहीं चाहती है कि जनगणना हो, यही मामला है। ये जातीय जनगणना की क्या ज़रूरत पड़ी, इससे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, इसमें तब तक तेजस्वी यादव ये सवाल नहीं उठा रहे थे जब तक के 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 50% से आरक्षण बढ़ करके 10% और स्वर्ण जातियों को आरक्षण दिया गया, तब जो है सो ये प्रश्न हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी को दिल दिमाग में खटकने लगा। और इसलिए खटकने लगा कि सब जाति, जितनी भी जातियां हैं, उसको जब जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है, और जब संविधान में व्यवस्था था पहले से कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, उसको जो है सो सीमा लांघ करके कानून बना करके बजाबते बीजेपी के लोगों ने, और जो है सो ये तय किया कि नहीं, स्वर्ण जातियों को भी आरक्षण दिया जाए। और स्वर्ण जातियों को उतना आरक्षण दिया गया जितना जो है सो उसकी आबादी है, यानी 100 में 100, यानी 10% उन लोगों को आबादी है और 10% उन लोगों को आरक्षण दे दिया गया। तब इनको ज़्यादा ये लगा कि ये तो बड़ा जो है सो आपत्तिजनक बात है भाई, जब इनको 10% आबादी है और 10% उनको आबादी दे दिया गया, तो हम लोगों को जो आबादी है ये 27% ही नहीं, 50% है हम लोगों का आबादी पिछड़ी जातियों का, तो फिर हम लोगों को 50% क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा जब सबको जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है उसी के हिसाब से, तो फिर हम लोगों को ये पिछड़ा जाति को क्यों नहीं उतना आरक्षण दिया जा रहा है? 27% पर ही ले जाकर क्यों छोड़ दिया गया है? बीजेपी कहती है देश हित में हम काम कर रहे हैं, तो फिर वो इसका विरोध क्यों कर रही है जब लाभ मिलेगा? देखिए, वो लोग जो है सो सिर्फ बात बनाते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों, वो यहाँ तो बिहार में तो सिर्फ मजबूरी में समर्थन दिया है कि अगर जो हम नीतीश जी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारी सरकार चली जाएगी, हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और तुरंत जो है सो लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो हम बहुत घाटे में जाएंगे। तो लोकसभा को चुनाव देखते हुए मजबूरी में नीतीश कुमार के साथ हैं, और इसीलिए हैं कि हमारा सत्ता बना रहे, हम इसमें काबिज रहें। और लाभ होगा, क्यों नहीं लाभ होगा? जब हमारा जाति का पता चल जाएगा कि हमारे पीछे जाति का आबादी 50% है, तो सबको जब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा तो हमको भी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए, हम भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, आगे इसकी लड़ाई होगी। अभी हम इसीलिए जनसंख्या जातिगत आधार पर इसका जो है सर्वे हो इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि हम भी तब उसको मजबूती से लड़ेंगे, सबको जब जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो हमको भी आरक्षण उतना मिलना चाहिए जितना हमारे संख्या। इसीलिए जो है सो तेजस्वी यादव इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, और सरकार को झुकना पड़ा चुनाव के देखते हुए झुका। अगर जो चुनाव ही नहीं रहता ना तो अभी नहीं झुकता, लेकिन चुनाव के देखते हुए झुकना पड़ा। और सच्चाई ये है कि अंदर से ये चाहते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में बीजेपी की सरकार कुछ नहीं बोला, नीतीश जी को साथ दे दिया, हाँ में हामी मिला दिया, लेकिन अंदर से उनका मानसिकता नहीं था कि जो है सो इस तरह का सर्वे हो। थैंक यू।